हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 9 और उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम सेल्फ इंडक्शन वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम आज यह एक नया टॉपिक और पढ़ रहे हैं। प्रीवियस दो वीडियो में सेल्फ इंडक्शन और इसी का जो एक नियत और निश्चित मान है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, सेल्फ इंडक्टिव कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसे हम एक नाम और भी कह देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसे हम क्या कह देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और आज हम इसके बारे में डिटेल से और पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब हम कोई भी कॉइल या कोई भी सर्किट लेते हैं उसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है सेल्फ इंडक्शन। तो इसके लिए जो फाई है वो फाई प्रोपोर्शनल किसके था, आई के। आई आपके जो मेन करंट है जो हम मुख्य धारा, प्रीवियस वीडियो में आप देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये फाई क्या है दोस्तों, फाई एम है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल किसके है, आई के। तो फाई इक्वल्स टू क्या लिखा था अपन ने, एल आई, और एल इक्वल्स टू क्या आता है दोस्तों, फाई अपॉन आई। एल इक्वल्स टू क्या आया था, फाई अपॉन आई, ठीक है। तो फाई और आई कांस्टेंट क्वांटिटी है, एल किस पे डिपेंड कर रहा था, उसके शेप एंड साइज के ऊपर और नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर और नेचर के ऊपर, ठीक है। नेचर ऑफ जो हम कॉइल लेते हैं उसके अंदर जो वायर है उससे रिलेटेड है। तो आकार पर, आकृति पर, और साथ ही साथ जो हम कॉइल लेते हैं उसके अंदर जो मीडियम है उस मीडियम माध्यम पर भी निर्भर करता है। एल वेरी इंपॉर्टेंट कि एल जो है वो फाई पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। फाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस पे डिपेंड नहीं करता है, और एल आई पर भी निर्भर नहीं करता है। आई यदि हम दुगना कर दें तो एल का मान आधा हो जाए, या फाई का मान यदि हम ट्वाइस कर दें तो एल भी ट्वाइस हो जाए, ये नहीं होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम इसको दुगना कर देंगे तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। एक कंसेप्चुअली और इम्पॉर्टेंट और आपके कहीं काफ़ी कंपटीशन में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखें। अब इससे रिलेटेड दोस्तों, इसका मात्रक क्या होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट इम्पॉर्टेंट सी है, फाई। फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स है, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और अपॉन में है करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आप जानते हो क्या होती है दोस्तों, वेबर, और करंट, करंट की क्या होती है, एम्पियर, वेबर अपॉन एम्पियर, ठीक है। वेबर अपॉन एम्पियर को हम एक नाम कह देते हैं, हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, दोनों की यूनिट हेनरी ही होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी वेबर अपॉन एम्पियर या हेनरी। इसकी विमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा दोस्तों, वो भी हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से विमीय सूत्र जो है वो भी पूछते रहते हैं, जो 11th में आप क्लियर कर चुके हो। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आई थिंक क्लियर है डायमेंशनल फार्मूला। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसके लिए इसको थोड़ा सा और हम ले लेते हैं, वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है उसमें हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो वेबर, वेबर यानी फाई, तो फाई क्या होता है दोस्तों, फाई होता है बी डॉट ए अपॉन आई, जानते हो ना।
फाइव बी डॉट ए है, और बी क्या होता है, बी होता है एफ अपॉन एम इंटू ए इंटू आई। ये आपको थोड़ा सा मैंने लिख दिया है जिससे एक सिंपल निकाल सकें। तो एफ, एफ की डायरेक्ट हम विमीय सूत्र लिख देते हैं एम वन एल वन टी माइनस टू, जानते हो ए एरिया है, एरिया की होती है दोस्तों एल टू एम, एम दोस्तों क्या है पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्रबलता, इसकी होती है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, मीटर मतलब एल वन और आई, आई यानी कि एम्पियर है ही, तो ये ए वन हो गई। तो दोस्तों क्या आ जाएगी, एक एल वन से एल वन कैंसिल हो गया, तो एम वन एल टू टी माइनस टू और ए टू ऊपर जाएगा तो क्या आ गया ए माइनस टू आ जाता है, ए माइनस टू आ जाएगी। तो दोस्तों एक तो ये डेफिनेशन हो गई, दूसरी डेफिनेशन हम इस इक्वेशन वन से क्लियर कर लेते हैं। इक्वेशन वन का हम टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होने पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स देन प्रोड्यूस द ईएमएफ। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन वन, कहने का अर्थ क्या है, समीकरण एक का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी और इधर हो जाएगा डी अपॉन डी टी एल इंटू आई, क्लियर है। और डी फाई अपॉन डी टी बहुत साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यूँ इस तरह से लगाना चाहें तो ठीक, अदरवाइज इसका हम मोड भी ले लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों ई, ई इक्वस टू और एल को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, और ये माइनस अंदर लेना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज बाहर, और ये डी आई अपॉन डी टी ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें L कांस्टेंट क्वांटिटी है, अचर राशि, उसको हमने अवकलन से बाहर ले लिया, सिंपल है बात मेरे ख्याल से। और यदि हम मोड ले लें इसका, यहाँ बहुत साइड मोड ले लें या फिर यहाँ ले लेते हैं L इक्वस टू E अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये मोड ले लिया। मोड लेने का मतलब दोस्तों यहाँ हम माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन से है, यहाँ हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया तो E इक्वस टू एल इक्वस टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, तो ये भी एक डेफिनेशन बन जाती है। जैसे ये डेफिनेशन बनी है ना दोस्तों, ऐसे ये डेफिनेशन और बन गई, क्या बन गई, कि यदि डी आई अपॉन डी टी इक्वस टू वन एम्पियर अपॉन सेकेंड, यदि कोई भी कॉइल है उसमें एक एम्पियर प्रति सेकेंड, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड एक एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो L है वो दोस्तों किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के इक्वल हो जाता है। ये आप जानते हो दोस्तों, आई थिंक क्लियर है, ये क्या है, फैराडे और लेंज का नियम, जो कि मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन भी है। तो L किसके इक्वल हो गया, इंड्यूस्ड ई एम एफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल, पूरा नाम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख चुके हैं, थ्योरेटिकली और लिख लेते हैं। हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ कि L इक्वस टू आई कब होगा, जब डी आई अपॉन डी टी है वो किसके इक्वल हो, वन एम्पियर पर सेकेंड के इक्वल हो। तो किसी भी परिपथ में स्वप्रेरक गुणांक का आंकिक मान, यानी L का मान किसके बराबर है, उस परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर होता है, परिमाण के बराबर होता है। कब बराबर होता है, जब परिपथ में धारा परिवर्तन हो रहा है उसकी दर, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एक एम्पियर बटे सेकंड हो।
तो हैंस द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन ए सर्किट इज न्यूमेरिकली इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, एल जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल है। कब है? व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो दोस्तों इस तरह से ये आपके L इक्वल्स टू E di अपॉन dt इसकी एक तरह से सेकंड फार्मूला आ गया। एक थर्ड फार्मूला आपके और है जिसको हम L इक्वल्स टू 2W अपॉन I स्क्वायर या आपके W या U इक्वल्स टू L di अपॉन dt की फॉर्म में लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पढ़ते हैं जिससे आपके इजीली समझ में आ जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।